हेलो, आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी की रसीली सब्जी, बिना प्याज बिना लहसुन वाली। देखिए, यहाँ पर मैंने अरबी ली है। अरबी को मैंने धो के अच्छे से उबाल लिया है, उबाल के छिलके काट लिया है। यहीं पर मैंने एक कटोरी में ली है बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और लंबे लंबे टुकड़ों में मैंने काटा है अदरक। यहाँ पर हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज किया है। देखिए, तेल को अच्छे से हम यहाँ पर गरम होने देंगे। एक बार जरूर बनाकर देखें, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये वाली सब्जी। यहाँ पर हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है, यहीं पर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन। अरबी को अजवाइन में ही बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। कुछ पिंच डालूंगी यहाँ पर हींग, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। 1/2 चम्मच ऐड करूंगी यहाँ हल्दी पाउडर, और इसी में डालूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और अदरक के टुकड़े। अदरक यहाँ पर डालने पर बहुत ही मज़ेदार लगता है सब्जी में। इनको हम कुछ देर के लिए हल्का सा भून लेंगे। कुछ देर के लिए बस हमें यहाँ पर इनको भूनना है। यहीं पर हम ऐड करेंगे कटी हुई अरबी। देखिए, अरबी को हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम यहीं पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्ची, अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच से भी कम डालूंगी मैं यहाँ पर गरम मसाला, और स्वादानुसार ऐड करेंगे इसमें नमक। नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। इस तरह भूनने से बहुत ही मज़ेदार बनती है ये सब्जी, एक बार ज़रूर बनाकर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखिए, यहाँ पर ये हमारी अरबी अच्छे से भुन रही हैं। ये नीचे जो जली जली सी हैं, इसी से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है निकल के। ऐसे ही बस हमें इनको यहाँ पर भूनना है। दो मिनट के लिए हम इसको यहाँ पर ऐसे ही हाई फ्लेम पर भूनेंगे। अब ये हमारी अच्छे से भुन गई हैं, यहीं पर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पर पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे ये सब्जी थोड़ी थिक लग रही है, इसमें मैं 1/2 गिलास पानी और ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं कुल पानी 1.5 गिलास के करीब ऐड करूँगी, क्योंकि हम जब इसको उबालेंगे तो ये थोड़ी थिक और हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। सब्जी तो सभी के घर में बनती है, लेकिन हर घर में बनाने का एक अलग तरीका होता है। आप इस हिसाब से बनाकर देखें, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये सब्जी। यकीन मानिए, आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, और बनाने में भी बहुत अच्छी लगेगी और खाने में भी। देखिए, यहाँ पर हमारा हल्का सा उबाल आने लगा है। अब हम इसको ढक देंगे, और ढक के हम इसे 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। गैस का फ्लेम हाई ना करें, मीडियम ही रखें, जिससे कि इसका कलर अच्छा बना रहे। देखिए, यहाँ पर 2-3 मिनट हो गए, हम इसको प्लेट को हटा देंगे। अब देखते हैं, देखिए हमारी सब्जी थोड़ी सी थिक भी हो गई है उबलते उबलते, और इसका कलर भी बहुत अच्छा निकल कर आया है। देखिए कितनी मज़ेदार बनी है हमारी ये सब्जी। आप इस सब्जी को किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, पूड़ी रोटी पराठे सभी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी, और इस सब्जी को हम किसी एक बर्तन में निकाल लेंगे।
लास्ट में हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। देखिए कितना अच्छा कलर निकल कर आया है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, एक बार ज़रूर बनाकर देखें। देखिए यहाँ पर मैं लास्ट में ऐड करूँगी नींबू, नींबू के बिना अरवी का स्वाद फीका है। अरवी की सब्ज़ी नींबू से ही बहुत टेस्टी बनती है। देखिए यहाँ पर मैं आधा नींबू ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करके देखते हैं, देखिए कितनी मज़ेदार बनी है हमारी यहाँ पर ये सब्ज़ी, खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। एक बार इस तरीके से ज़रूर बना कर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।